राव का कहना है कि उन्होंने पहली सैलरी से देसी घी खरीदा था और ये उनके लिए बहुत ज्यादा लग्जरी था। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या काम किए थे ये सब बातें आपको वीडियो में पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सके नोटिफिकेशन के थ्रू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। राजकुमार राव से पूछा जाता है कि आप कभी भी कोई ऐसी इमोशनल मेमोरी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जिसमें राजकुमार कहते हैं कि हाँ जब वो स्कूल लेवल में थे, हाई स्कूल में थे, तो उन्होंने एक 7 साल की बच्ची को डांस सिखाने उसके घर जाते थे और उन्हें बाद में 300 रुपये मिलते थे उन्हें ट्रेनिंग देने के। उन्होंने बताया कि जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली तो 50-50 के 6 नोट थे और मैं बहुत खुश हो चुका था, और मैंने क्योंकि जो फाइनेंशियली कंडीशन थी मेरे घर पर वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा जब मुझे मेरी सैलरी पहली बार मेरे हाथ में आई, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोसरी की, उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी घर के लिए जो राशन की चीज़ें होती हैं, और इन सबको खरीदने के बाद जो पैसे बचे मैंने उनसे देसी घी खरीदा ताकि हम अपनी देसी रोटीज़ पे उन देसी घी को लगा सकें। राजकुमार राव का बॉलीवुड में करियर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, उन्होंने बहुत सी फिल्म्स की हैं, फिल्म से वो चल नहीं पाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो फिल्म्स करते रहे, शादी में जरूर आना से उनके करियर का बहुत अच्छा आगाज़ हुआ क्योंकि उसमें उनकी एक्टिंग बेहतरीन अच्छी थी। और उसके अलावा उन्होंने बैक टू बैक बहुत सी ऐसी मूवीज़ दी जो कि सबको ही बहुत पसंद आई। रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी स्त्री टू, जिसने हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ कर दिया और सब हर कोई ये कह रहा है कि स्त्री से ज़्यादा अच्छी स्त्री टू है जिसमें राजकुमार राव है। मिलते हैं कुछ देर।